भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। कल तक जो लॉसेज हुए हैं वो लगभग 24 करोड़ के हैं, जिसमें हमारी जो 182 वाटर सप्लाई स्कीम्स है वो भी इंपैक्ट हुई हैं। इसके साथ साथ ज़्यादा नुकसान जो है वो सदर कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ है और घुमारवीं में। वैसे नुकसान तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में ही हुआ है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में। जैसे आपने देखा होगा कुमझाड़ में हुआ, कल जो नौणी में हुआ, नैना देवी में भी कुछ लॉसेज हुए हैं। इसमें हाउसेज को काफ़ी डैमेज हुआ है, कौशर डैमेज हुए हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस भी डैमेज हुई हैं। तो डिटेल रिपोर्ट हम डेली जनरेट कर रहे हैं और मैंने सभी SDMs को डायरेक्शन दी है कि जब भी नुकसान होता है, कहीं भी इंफॉर्मेशन मिलती है, तो विद इन हाफ एन आवर जो है वो खुद या फिर तहसीलदार नायब तहसील साइट पर पहुँचे। जैसे आप मालूम होगा नैना नौणी में भी रात को परसों काफ़ी ज़्यादा फ्लड आया था ऊपर से, जिसमें रोड NH बंद हो गया था, लेकिन हमारी PWD की टीम ने रात को 1 बजे तक काम किया और वन वे तो उन्होंने 11 बजे निकाल दिया था और रात को 1 बजे रोड को थ्रू कर दिया गया। कल मैंने भी नौणी में विजिट किया था तो काफ़ी लॉसेज हुए हैं और ज़्यादा बारिश की वजह से हुए हैं। कई जगह तो ऐसे अनप्रेसिडेंटेड है, पहले कभी लॉस नहीं हुआ, वहाँ भी पानी आया है। और मैंने सभी विभागों को भी निर्देश दिए और आज हम रिव्यू भी कर रहे हैं ताकि रेन्स की वजह से जहाँ भी लॉसेज हों, चाहे वो PWD विभाग हो, इलेक्ट्रिसिटी हो या लोकल लेवल पे SDMs हों, उसमें तुरंत कार्रवाई करें ताकि जो लोगों को है रिलीफ दिया जा सके।